डंकी का तो इतना खास नहीं लगा, सलार का बेस्ट है, डंकी नेगेटिव। जो डंकी का टेलर है वो इतना खास नहीं है, देखने में कुछ मज़ा नहीं आया, ऐसा लग रहा है फैन मूवी के जैसा है। और जो सलार की बात करें तो सलार KGF का जैसा लग रहा है। प्रवास का अच्छा लगा, और मुझे पृथ्वीराज अपना फेवरेट है, पृथ्वीराज। हाँ पृथ्वीराज, उसकी वजह से जाऊँ। हाँ पृथ्वीराज, उसकी बहुत पिक्चर देखा। सलार भारी होगा, डंकी जाएगा, फ्लॉप जाएगा, ये इतना खास रिस्पॉन्स नहीं आएगा इसको। बस राजकुमार हिरानी की स्टोरी थी वो अलग लेवल की थी, बाकी इस बार इतना मज़ा नहीं आएगा इसमें। सलार क्या लग रहा है, सलार कितना चलेगी क्या लगता है? सलार सलार जाएगी, बाकी मूवी फ्लॉप हो गई थी पहले सलार की। हाँ प्रवास की बाकी फ्लॉप हो गई थी, बाकी ये जाएगी 1000 पार करेगी। हाँ 1000 प्रशांत KGF वाले डायरेक्टर ना, उनका भी बस अच्छे पिक्चर बनाते हैं, दोनों पिक्चर उनकी तीनों अच्छी हिट गई। हाँ हिट जाएगा ये। फाइव में से 5 देगा सलार को, डंकी को 5 में से 3। शाहरुख खान की पठान और जवान सुपर हिट थी, बाकी इससे लग रहा है ऐसा जो फ्लॉप जाएगी, क्योंकि इसकी इतनी स्टोरी नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई, फाइनली डंकी का ट्रेलर रिलीज हो गई है और सलार भी ट्रेलर आ गया है। पहले तो आप बताओ कि आपको कौन सा ट्रेलर सबसे अच्छा लगा? वैसे तो डंकी का ट्रेलर सलार से बढ़िया है, और जो है डंकी में काफ़ी अच्छा लग रहा है, शुरू में तो कॉमेडी है, बाद में जो है इसमें फिर सीरियस सीन है, लाइफ के बारे में है कि इंसान कैसे संघर्ष करके अपने देश मतलब बाहर जाना चाहता है अपने देश को छोड़ के, लेकिन जो चीज़ें अपना देश देता है वो बाहरी लोग नहीं देते। शाहरुख खान के लुक देखा अपने ट्रेलर में तो क्या मतलब, कितने हैंडसम दिख रहे हैं वो, पूरा जवान दिख रहे हैं। हाँ शाहरुख की तो एक बात ही है, हर फिल्म में अलग दिखते हैं, लेकिन इस समय डंकी में तो बेहतरीन दिखे हैं। बाकी जो मतलब राजकुमार हिरानी का है वो कहानी सेम वैसे ही चलती है जैसा हमने पिछली उनकी फिल्में देखी है, जैसे PK थी या 3 Idiots, मुन्ना भाई MBBS, तगड़ी फिल्म है। क्या कहोगे नेक्स्ट डे सलार भी आ रही है, मतलब कि सलार कितना टक्कर देगी? सलार तो मुझे नहीं लगता कि 30% भी टक्कर दे पाएगी अभी तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी फिर फिल्म मतलब मेन जो है कहानी के ऊपर, अगर सलार कहानी बढ़िया होगी तो चलेगी, नहीं तो दब जाएगी। डंकी तो चलने वाली है, हाँ तगड़ी फिल्म है। क्या बात, चलिए अगर रेटिंग देनी हो तो ट्रेलर को क्या दोगे आप? ये 4.5। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका, फाइनली 21 तारीख को डंकी रिलीज हो रही है, अब 22 को सलार हो रही है। Yes. तो आप क्या कहोगे ये खिले को लेकर, एक तरफ शाहरुख खान और एक तरफ प्रभास? मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, पर डंकी जो है वो पिक्चर जो है, जो इंडिया के लोग लंदन घुसना चाहते हैं तो किस तरह से घुसना चाहते हैं वो ये पिक्चर के बारे में है। और सलार जो है वो दो दोस्तों का कुर्सी के लिए, पावर डोमिनेशन के लिए, उसके लिए लड़ाई है, मतलब तो जो दो दोस्त का लड़ाई तो हर युग मतलब हर सदी में हिंदी पिक्चर बताती है, पर शाहरुख खान ने ये अलग कि लोग भारतीय लोग क्यों घुसना चाहते हैं लंदन और कैसे घुसते हैं और उनका हालत क्या होता है और देश के उनके माँ बाप जो देश में रहते हैं उनका क्या हालत होता है, ये डंकी का पिक्चर है। क्या कहना चाहोगे इस बार शाहरुख खान अकेला नहीं आ रहा, क्लेश कर रही है बॉक्स ऑफिस पे, शाहरुख खान इस साल पठान जवान जो कि बहुत बड़ी हिट हुई है, क्या ये हिट होगी? हाँ ये भी पिक्चर चलेगी क्योंकि ये अनोखा पिक्चर है, पर बहुत ज़्यादा नहीं कमाएगी, पर 200 करोड़ तक जाएगी। 200 करोड़? यस। सलार भी 100-150 करोड़ तक जाएगी। अगर आप सलार की बात करें तो सर सलार कहीं ना कहीं KGF डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है वो KGF वाला है, तो क्या कहना चाहोगे KGF एक टॉप लेवल में, उन्होंने साउथ इंडियन का फिल्म बोलने के लिए जाओगे तो उनका कंटेंट, उनका एक्शन, उनका पिक्चराइजेशन, उनका जो अलग अलग जो उनका सिचुएशंस दिखाते हैं वो बहुत पैसा वसूल है, और हिंदी पिक्चर का जो है अपना बॉलीवुड जो है वो कॉपी है, मैं इधर उधर से उठा उठा के वो लोग दिखाते हैं, पर देखते हैं कि डंकी
कैसा अलग है कि ये भारतीय लोग कैसे दूसरे देश में काम के लिए ज़्यादा पैसा के लिए वो अपना जान भी गंवा देते या जान देते या जेल में सड़ जाते सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में कम पैसा है, नौकरी भी नहीं मिलती है, इज्जत नहीं है। तो अभी देखते हैं कि वो लोग डंकी में क्या दिखाते हैं, तो ये हम लोग देखना चाहेंगे।